तो हेलो भाई लोग, देखिए इजराइल में चल रहा है काम पेंटिंग का, अपोक्सी पेंटिंग है। तो कैसे इधर अपोक्सी पेंटिंग होता है इस वीडियो में आप लोगों को देखने को पूरा मिलेगा। बंदा देखिए इधर सब काम कर रहा है, लोग जो अपना इंडिया से भाई लोग आया है सब इधर लगे हुए हैं, पेंट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में पेंट और चेकर प्लेट, स्कार्टिन, जिप्सन बोर्ड और आपका सैंडविच पैनल, सेलिंग सब लगाना पड़ता है। तो जो आदमी, जो बंदा अपना इंडिया से इजराइल आना चाहता है पेंटर में, तो ये देख ले, अपोक्सी भी पेंट करना पड़ेगा, पुट्टी भी मारना पड़ेगा और वॉल पेंट, सेलिंग पेंट एंड वाटर पेंट एंड थिनर पेंट टू ए टू जेड करना पड़ेगा। तो जो बंदा आना चाहता है और पूरा काम मालूम है और अपोक्सी भी मारना पड़ेगा, तो पहले जिस बंदे को काम पूरा मालूम है वही आए, ताकि इधर आने के बाद अगर काम मालूम नहीं है तो हेल्पर में डाल दे रहा है लो तो दिक्कत हो जाती है और सैलरी भी कम हो जाती है। तो देखिए कैसे पहले हम लोग इस पे प्राइमर मारे हैं, उसके बाद से ये अपोक्सी लग रहा है। तो प्राइमर मारने के बाद अपोक्सी मारा जाता है, इस पे हम लोग 2 कोट प्राइमर मारे हैं अच्छा से। इसको 2 दिन तो पहले ग्राइंडिंग किया अच्छा से, ग्राइंडिंग करना पड़ेगा जो बंदा पेंटर में आएगा, तो देख कर आए ताकि इधर आने के बाद कोई दिक्कत तकलीफ़ ना हो और कोई अपना इंडिया का भाई फंस ना जाए इधर। तो काम मालूम है पूरा तभी आए पेंट में, वरना अनुभव लेकर आया और सीख कर आया। कभी कभी क्या होता है कि अकेले दे देता है लोग काम करने को, हेल्पर दे देता है साथ में, तो अगर काम मालूम नहीं है तो दिक्कत हो जाता है, बंदे लोग का परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए सुझाव रहेगा हमारा कि कभी भी आए तो काम पूरा जानकारी है तभी आए, नहीं तो इधर हेल्पर में डाल देगा लोग, सैलरी भी कम करेगा और ऊपर से हेल्पर का थोड़ा ज़्यादा काम होता है। ये आप लोगों को मालूम होगा, हेल्पर को किसी कंट्री में जाओगे तो थोड़ा हेल्पर का काम ज़्यादा होता है और टेक्नीशियन का कम होता है। अभी उधर हेल्पर में हमारा बंदा लोग आया है, वो भी लगा है लो, वो भी सीख रहा है लो काम। तो हेल्पर में वो आदमी आ सकता है जिसको काम मालूम नहीं, आके इधर सीख सकता है, इसके लिए इधर बढ़िया है सीखने के लिए। और जिस बंदे को काम की नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आके सीख सकता है और कर सकता है, दोबारा जाके वो टेक्नीशियन में आ जाएगा। टेक्नीशियन का इधर अच्छा खासा सैलरी है और टेक्नीशियन को सुविधा भी सही है, हेल्पर साथ में रहता है हेल्प करने के लिए, तो कोई ज़्यादा उसको परेशानी आती नहीं है। बाकी जो बंदा अभी बहुत सारा वैकेंसी गया है हेल्पर पेंटर, डेली बंदा आ रहा है अपना इंडिया से। सोलर में भी गया था डायनोमिक में, लेकिन अभी सोलर में नहीं है, डायनोमिक भी नहीं है। अभी आरके इंटरनेशनल में मुंबई गया है, वहाँ से कुछ आदमी अभी आया, तो आप लोग जाके वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी अर्जेंट उर्जेंट कोई चक्कर में ना पड़िए तो बेटर रहेगा। अर्जेंट लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है लोग, आदमी लोग से और हेल्पर में डाल के भेज रहा है लोग, तो अभी धोखाधड़ी इंडिया में अपने बहुत कर रहा है लोग, अर्जेंट लोग 4 से बेसी कर रहा है लोग। तो सुझाव हमारा यही रहेगा कि देर से आइए और दुरुस्त आइए और बढ़िया से ऑफिस से आइए, ताकि जो सैलरी उधर लगाएगा वो पक्का इधर मिलेगा और कोई टेंशन वाली परेशानी वाली भी दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि मान लीजिए हम एग्री हुए हैं $1,000 पे या $1,500 पे, उतना डॉलर हमको इधर मिल रहा है, तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब ऐसा ना हो कि हम $1,500 पे उधर साइन किए, एजेंट बोल दिया और इधर आके फिर वो 800 या $1,000 हो गया, तो फिर
आदमी को दिक्कत हो जाता है, परेशानी हो जा बढ़ जाती है, तो बेटर रहेगा वही काम सीख कर आइए, देर आइए और दुरुस्त आइए और आके पैसा कमाइए। अभी सबके लिए ओपन हो गया है, कोई इशू अभी नहीं आ रहा है आने में। तो मेरा यही सुझाव रहेगा जे काम जानकारी है तभी आइए, नहीं तो इधर अकेले अकेले दे रहा है लोग, तो बाद में परेशानी हो जाएगा। बाद में आकर वो लोग चेक करता है काम सही नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देता है लोग, तो उस बंदे को कंपनी हेल्पर में डाल देती है। और जो आदमी इंडिया जैसे हेल्पर में आ रहा है $1,000 पर या 1200 पर, मान लीजिए $1,000 पर आया है जो हेल्पर में, तो इधर अगर हेल्पर में डालेगा तो इधर 800-900 देगा, तो वही बात है। तो काम सीखा जो बंदा रहेगा उसके लिए तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, बाकी जिसको काम उतना मालूम नहीं है उसके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है इधर। तो सुझाव यही रहेगा, आइए सीख कर, जिस बंदे को काम मालूम है उसके लिए तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आइए आराम से और पैसा कमाइए। और कोई अगर दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।